नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 1000 लोगों की जान गई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर रिक्टर स्केल के जिस पैमाने की हम बात करते हैं उसका एक्चुअल मतलब होता क्या है, और रिक्टर स्केल के किस पैमाने पर आकर भूकंप भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 0 से 1.9 यानी कि 2 से कम तक के पैमाने सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चल पाते हैं। हालांकि 2 से 2.9 यानी कि 3 से कम तक ये हल्का कंपन महसूस कराता है, और इसके बाद 3 से 3.9 तक कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा बस महसूस होता है। और अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 से 4.9 तक है तो ऐसी स्थिति में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। इसके अलावा अगर ये पैमाना 5 से 6 के बीच में है तो फर्नीचर जैसा भारी सामान तक इस पैमाने पर हिल जाता है। वहीं अगर 6 से ऊपर है और 7 से कम है तो इसमें इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और अफगानिस्तान में आज 6.1 की तीव्रता का ही भूकंप आया था। इसके ऊपर अगर बात करें 7 से 7.9 तक यानी कि 7 से 8 के बीच में अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता है तो ऐसी स्थिति में इमारतें गिर जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं और पाइपलाइन फट जाती हैं। और इससे ऊपर 8 से 9 तक की अगर तीव्रता है तो ऐसी स्थिति में इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, और 9 से ऊपर अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता है तो फिर समझिए कि पूरी तबाही होना तय है, और अगर समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है।